मूवी का स्टार्ट एक शून नामी लड़के से होता है जो अपनी रोज स्कूल से घर और घर में वीडियो गेम्स खेलने की बोरिंग रूटीन से तंग आकर गॉड से दुआ करता है कि लाइफ किसी गेम की तरह एक्साइटिंग हो जाए। अब सीन शिफ्ट होके अगले दिन स्कूल में जाते हैं जहां शून अपनी डेली रूटीन के मुताबिक बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्लास अटेंड कर रहा होता है कि अचानक ही उनके टीचर का सर फटने से टीचर की डेथ होती है और उसके सर से एक डरूमा डॉल निकलकर डेस्क पर बैठ जाती है। बच्चे पैनिक करते अपनी जगह से हिलते हैं तो वो डॉल उन्हें मारना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर शून हैरान होता है क्योंकि ये बिल्कुल एक गेम डरूमा सांगा कोरोंदा जैसा था जिसमें हारने की पेनल्टी डेथ थी। वो डॉल स्पिन करती है और जो अपनी जगह से हिला दिखाई देता उसका हेड एक्सप्लोड कर देती है। ये देखकर बच्चे पैनिक में रुकने के बजाय हिलते रहते हैं और मरते जाते हैं। तभी शून का दोस्त हिरोशिमा चीजों को कीनली ऑब्जर्व करते हुए बताता है कि अगर वो स्टिल हो जाए तो जिंदा रहेंगे, जबकि शून डॉल के पीछे बटन देखकर बताता है कि उन्हें गेम खत्म करने के लिए बटन के साथ लगे टाइमर के ऑफ होने से पहले उसे पुश करना होगा और साथ ही उसे रियलाइज होता है कि उसकी कल की गई विश की वजह से हो रहा है। शून और हिरोशिमा के अलावा सब हिलने पर मर जाते हैं। टाइम खत्म होने ही वाला होता है तो शून डॉल की तरफ जंप करता है और डॉल का बटन पुश कर देता है। डॉल बंद होकर गिर जाती है और वो दोनों खुश होते हैं कि वो बच गए। तभी डॉल जिंदा होकर हिरोशिमा को भी मार देती है और बताती है कि सिर्फ बटन प्रेस करने वाला ही विनर हो सकता है। और शून क्लास से बाहर निकलता है तो उसे अपनी फ्रेंड इचिका मिलती है जो बताती है कि सारी क्लासेस में ये गेम खेला जा रहा था और वो अपनी क्लास गेम की विनर है। इचिका और शून पुलिस को कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वहाँ सिग्नल्स नहीं होते। आगे क्या करना चाहिए यही सोचते हुए वो स्कूल के जिम चले जाते हैं। वहाँ उन्हें अपनी तरह और सर्वाइवर्स मिलते हैं जिनमें से कुछ ने माउस के कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। जिम के फ्लोर पर लिखा होता है कि कैट की बेल को फिट करो। वो सब उसे देख रहे होते हैं कि तभी फ्लोर स्लाइड होता है और वहाँ से एक ह्यूज कैट निकल आती है और दूसरी गेम माने की नेको स्टार्ट हो जाती है। कैट बच्चों को खाने लग जाती है तभी शून को बेल दिखती है जिस पर भी टाइमर लगा होता है और कैट के गले पर एक बास्केट लगी दिखती है। शून सबको बताता है कि उन्हें बचने के लिए ये बेल बास्केट में फेंकनी है। वो कैट एक एक करके उन सर्वाइवर्स को खाना स्टार्ट हो जाती है। अब उनमें से बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर उस बेल को पकड़ के बास्केट करता है लेकिन कैट बेल को बास्केट होने से रोककर वापस उसकी तरफ फेंकती है जिससे वो वॉल में लगकर मर जाता है। वहां से भागते हुए शून नोट करता है कि माउस के कॉस्ट्यूम्स पहने बच्चे कैट की लैंग्वेज समझ सकते हैं। शून भी कॉस्ट्यूम पहनता है और कैट से बातें करता है। कैट बताती है कि उसे अपनी बैक पर खारिश हो रही है। इस पर बच्चे उसके पीछे खारिश करने लग जाते हैं। ऐसा करते ही कैट सो जाती है। शून उन्हें अब मौके का फायदा उठाकर बेल बास्केट में डालने का कहता है लेकिन कुछ लोग पिछली गेम की तरह एक विनर वाले आउटकम के डर से बेल खुद फेंकने के लिए लड़ने लग जाते हैं। इनकी लड़ाई में कैट जाकर फिर बच्चों को खाने लग जाती है। शून और इचिका प्लान बनाकर बास्केट करने की कोशिश करते हैं और शून के पास बेल होती है जबकि इचिका के पास रियल बास्केटबॉल होता है। वो दोनों एक साथ बेल और बॉल फेंकते हैं जिससे कैट कंफ्यूज हो जाती है बट बेल बास्केट के रिंग से टकरा जाती है। राउंड खत्म होने में 2 सेकंड रह जाते हैं तभी स्कूल का एक और लड़का अमाया कैट के पीछे से जंप करते हुए आता है और बेल को बाहर गिरने से बचाकर बास्केट कर देता है और राउंड खत्म हो जाता है। कैट उन्हें बताती है कि शून इचिका और अमाया विनर्स हैं। इतने में कैट के मुंह से व्हाइट स्मोक निकलना शुरू हो जाता है जो कि स्लीपिंग गैस होती है। सीन शिफ्ट होकर बाकी दुनिया की तरफ जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ उनके स्कूल में नहीं हो रहा बल्कि बाकी के सब स्कूल्स में भी हो रहा है। मीडिया के थ्रू सब इसके बारे में जानते हैं और न्यूज पर दिखता है कि सब सर्वाइवर्स अब एक व्हाइट क्यूब में बंद हैं जो आसमान में फ्लोट कर रहा है और उसके अंदर जाने का या बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। सब लोग इसे रोकने की ट्राई करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। इसीलिए सब इसे गॉड्स विल समझना स्टार्ट कर देते हैं और सर्वाइवर बच्चों को गॉड्स चिल्ड्रन का टाइटल दे देते हैं। साथ ही एक होमलेस आदमी दिखाई देता है जो खराब रेडियो को हाथ लगाकर ठीक कर देता है। सीन्स अब क्यूब के अंदर जाते हैं जहां हमें शून एक रूम में बंद दिखता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड तकुमी मिलती है। वहां और भी सर्वाइवर्स होते हैं। तब एक स्क्रीन दिखती है
कि उन्हें विन करने के लिए एक की ढूंढनी है। इसके बाद वहाँ का डोर ओपन होता है और कुछ बलून्स जैसी डॉल्स रूम में आती हैं, जो उन्हें अपने साथ कोकिशी खेलने का कहती हैं। इस गेम में ब्लाइंडफोल्ड करके प्लेयर सेंटर में बैठेगा और कोकिशी डॉल्स उसके गिर्द घूमती गाना गाएगी। जब वो गाने के बाद रुकेगी तो ब्लाइंडफोल्डेड प्लेयर्स को 10 सेकंड्स के अंदर अंदर अपने पीछे खड़ी डॉल का नाम बताना होगा, वरना वो उसे मार देगी। इस तरह एक एक करके बहुत से बच्चे मर जाते हैं। फिर बारी आती है शून की और वो टाइमर खत्म होने पर चुप ही रहता है। जब उसके पीछे खड़ी डॉल बोलती है तो शून उसका नाम बता देता है। डॉल्स कहती है कि अब टाइमर खत्म हो गया है, लेकिन शून दिखाता है कि टाइमर की आवाज उसके फोन में से आई थी जिसमें उसने पहले बच्चों को रिकॉर्ड किया हुआ था। इस तरह शून यह गेम भी चालाकी से जीत जाता है और उसे जीतने पर डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और उनमें से एक की निकलती है। शून की उठाता टकुमी को लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है कि उन्हें एक अरीमा नामी लड़का मिलता है जो भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा होता है। उसके पीछे डरावनी डॉल्स होती हैं जिससे बचने के लिए अरीमा हाथ पकड़ने का कहता है। दूसरी तरफ से इचिका भागती आ रही होती है और वो सब हाथ पकड़कर यूनाइट हो जाते हैं और बच जाते हैं। अब वो सब मिलकर अगले लेवल की तरफ बढ़ते हुए एक रूम में आते हैं जहाँ उन्हें दो लड़के टीजी और कैसे मिलते हैं जो बताते हैं कि उन्हें 7 कीज की जरूरत है तभी वो जायंट स्माइलिंग हेड के डोर को अनलॉक कर सकेंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 कीज ही होती हैं। तभी अमाया 3 कीज लेकर वहां आता है जिससे 7 कीज कंप्लीट हो जाती हैं। वो उन कीज को डोर में डालते हैं और उन्हें नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कपड़े दिए जाते हैं। कैमरा बाकी दुनिया पर फोकस करता है तो हमें पता चलता है कि गेम की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और सब लोग गेम देख रहे हैं। सीन्स वापस बच्चों पे जाते हैं जिन्हें अब बर्फीले इलाके में एक ह्यूज व्हाइट पोलर बियर मिलता है। इस शिरोकुमा गेम में बियर उनसे क्वेश्चंस करेगा जिनका उन्हें सच सच आंसर देना होगा और अगर उनमें से कोई झूठ बोलेगा तो बाकियों को उस झूठ बोलने वाले का नाम दिए गए टाइम फ्रेम में बियर को बताना होगा ताकि वो उसे मार सके। बियर का पहला सवाल होता है कि उन सबका फेवरेट फूड क्या है। सब अपना अपना जवाब बताते हैं, लेकिन बियर कहता है कि किसी एक ने झूठ बोला और उसका नेम मांगता है। सब आपस में लड़ने लगते हैं और फाइनली अपने एक साथी का नाम ले लेते हैं और बेयर उसे मार देता है। बेयर दूसरे क्वेश्चन में पूछता है कि कौन कौन शून को पसंद करता है। जो शून को जानते हैं वो हाँ कर देते हैं, बाकी सब नो बोल देते हैं, लेकिन बेयर भी कहता है कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। वो इंसान मेरे साथ मिला हुआ है इसीलिए वो झूठ बोलकर तुम लोगों को इधर रोक रहा है। सब तकुमी का नाम लेते हैं क्योंकि उसे कोई नहीं जानता। शून कहता रह जाता है कि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन कोई नहीं सुनता। बियर आगे बढ़कर उसे भी मार देता है तो सब देखते हैं कि तकुमी का ब्लड रेड ही है और अगर वो बियर के साथ होती तो रोबोट होती। जब थर्ड क्वेश्चन पे भी बियर झूठ बोलने का कहता है तो शून बियर से कहता है कि बियर ही है जो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर उन सबको एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है। इनके दरमियान सबसे बड़ा लायर वो खुद है और वो वाइट नहीं बल्कि अंदर से ब्लैक एंड ईविल है। तभी उस बियर का कलर वाइट से ब्लैक हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, यानी ये राउंड भी क्लियर हो गया और सब शून के अलावा खुश हो जाते हैं। वो सब लास्ट राउंड में जाते हैं तो उन्हें वहाँ 3 डॉल्स मिलती हैं, जो उन्हें बताती हैं कि ये राउंड वो आपस में खेलेंगे। किक द कैन गेम ये होती है कि सब छुपेंगे और उनमें से एक डीमन बनकर उन्हें ढूंढेगा और जिसका फेस उसे दिख जाएगा वो डीमन का कैदी बन जाएगा। अगर उसने सबको ढूंढ कर कैन को हिट कर दिया तो वो बच जाएगा, लेकिन बाकी सब मर जाएंगे। और अगर डीमन की जगह किसी और ने कैन को हिट कर दिया तो वो मर जाएगा, लेकिन बाकी सब बच जाएंगे, यानी वो सब के लिए सैक्रिफाइस करेगा। और ये गेम सनसेट से पहले कंप्लीट करनी होती है। अब वो सारे टॉस करते हैं तो अमाया डीमन बनता है। डॉल्स गेम का स्टार्ट करती हैं तो वो सब छुप जाते हैं और अमाया उन्हें ढूंढने लग जाता है। अमाया 3 लोगों को देखकर कैद कर लेता है और आगे बढ़ने पे उसे इचिका और शून भी मिल जाते हैं, लेकिन इचिका सामने आकर शून को बचा लेती है और टाइम खत्म होता देखकर शून एक मेटल आर्मर पहनकर बाहर आता है। अब गेम रूल्स के अकॉर्डिंग अमाया उसका फेस नहीं देख पाता, इसलिए शून का फेस से आर्मर उतारने के लिए अमाया लड़ता है, लेकिन शून बच कर कैन की तरफ भागता है और अमाया से पहले उसे हिट कर देता है। वो कैन के ब्लास्ट होने का वेट कर रहे होते हैं
लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। उतनी देर में डॉल्स वहां आकर बताती हैं कि वो सब इस गेम के विनर्स हैं, क्योंकि वो सब सरवाइव करके यहां तक पहुंचते हैं और ये लेवल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था। वो डॉल्स उन सबको आइसक्रीम्स देती हैं और कहती हैं कि इस आइसक्रीम को एंजॉय करने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाएंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देते हैं। आइसक्रीम खत्म होने पर शून नोट करता है कि उसकी स्टिक पर विनर लिखा होता है और इचका की स्टिक पर लूजर। तभी डॉल्स वहाँ पर आती हैं और उनमें से एक ईविल डॉल निकलकर अपनी आई लेजर से सब लूजर स्टिक वालों को मार देती है। इसके बाद क्यूब खुल जाता है और अमाया और शून विनर के रूप में बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पे वो सारी दुनिया उनको प्रेस करती है। अमाया ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन शून इतने बच्चों की डेथ पर उदास होता है। वो ऐसी ब्रुटैलिटी का सोचकर